अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है मोहम्मद आसिफ और आप देख रहे हो आसिफ टेक यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, वर्ल्ड में कभी कभी हमें एक प्रॉब्लम आती है जिसका सलूशन मैं आपको बताने वाला हूँ। और वो प्रॉब्लम ये है कि जैसे ही हम किसी वर्ड को सिलेक्ट करके हाइपरलिंक करते हैं, मतलब उस पर किसी वेबसाइट का लिंक देते हैं, जैसा कि मैं आपको लिंक दे के दिखाता हूँ। तो यहाँ पर मैं विकीपीडिया का लिंक पेस्ट करता हूँ और आप मेरी ऑप्शन देख सकते हैं जो कि मैंने सेलेक्ट की हुई हैं। तो ये सारी ऑप्शंस करने के बाद जैसे ही मैं ओके करता हूँ तो यहाँ पे उस वर्ड के ऊपर लिंक नहीं आता है, बल्कि एक पट्टी पूरी लाइन लिंक की आ जाती है। तो मैं चाह रहा हूँ कि सिर्फ़ उस वर्ड पे लिंक आए और क्लिक करने से वो लिंक ओपन हो। तो उसको कैसे करते हैं, तो बिल्कुल सिंपल सा मेथड है फ्रेंड्स, ये बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होता है। तो आपको सिंपल इस पूरी लाइन को सिलेक्ट करना होता है, ठीक है, जिस तरह से मैं करता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद आपने राइट क्लिक करनी है और यहाँ पे सेलेक्ट हाइपरलिंक पे क्लिक कर देना। तो आपका वर्ड जो है वो जो है इस तरह से शो हो जाएगा। अगर आप कंट्रोल के साथ इस वर्ड पे क्लिक करेंगे तो आप अपनी वेबसाइट पे आ जाएंगे, ठीक है। तो फ्रेंड्स, ये बिल्कुल सिंपल सा मेथड है, लेकिन ये प्रॉब्लम वर्ड में आती है। और बेसिकली इसकी वजह ये होती है कि आपके वर्ड की थोड़ी सी सेटिंग ख़राब होती है, तो उसकी वजह से। तो यहाँ पर ये देखें, ये एक और वर्ड है जिस पर मैंने किया, तो इस पर भी मैं सिलेक्ट हाइपरलिंक करता हूँ तो ये खुद ब खुद ठीक होता जाता है। तो चलिए फ्रेंड्स, ये छोटी सी वीडियो थी जो मैंने आप दोस्तों के लिए बनाई, एक वर्ड की प्रॉब्लम को आपके साथ डिस्कस किया। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे फ्रेंड्स, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।